सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। स्वागत है आपके इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो आज हम बात करते हैं कि 30 अप्रैल को हमें क्या लेकर चलना है, निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं मंडे के मार्केट पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्राइडे के सेशन में जो मैंने आपको ट्रेड्स दिए थे उसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले ट्रेड मैंने जो आपको दिया था वो दिया था कि SBI लाइफ को सेल करने की सलाह दी जाएगी। उसका जो रिजल्ट आया बहुत अच्छा आया, पर हम देख सकते हैं कि उसमें शायद प्रॉफिट बुकिंग आते हुए हमें उसमें देखने को मिल जाए। तो मैंने आपको जो बताया था कि जब जिसमें क्लोजिंग हुई थी वो क्लोजिंग प्राइस था 763 का, और मैंने आपको बोला था सेल करके चलना। तो वो 763 का जो था उसने अपना जो लो बनाया 745 का बनाया, और मैंने जो आपको टारगेट्स दिए थे उसके ऊपर के ही दिए थे। तो आपको मतलब दोनों टारगेट्स अचीव हो गए थे। हमने उसके बाद देखा था कि जब हमारे टारगेट्स अचीव हो गए थे तो हमने उसके बाद उसमें रैली आते हुए देखी और फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो मैंने आपको अपनी सारी वीडियोस में एक बात बताई है और अभी भी बता रहा हूँ, और आप लोग ध्यान से प्लीज सुन लीजिए कि जब आपका पहला टारगेट अचीव हो जाता है तो आपको अपने जहाँ से आपने बाइंग प्राइस बनाई है, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है, जो भी उसका करंट मार्केट प्राइस होता है, जहाँ से प्रीवियस प्राइस होता है, वो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ता है अगर आपको फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है। और अगर आपको सेकेंड टारगेट अचीव हो जाता है तो सेकेंड टारगेट के हिसाब से आपको फर्स्ट टारगेट को स्टॉप लॉस मानना चाहिए, और अगर और आगे के प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं तो आपको सेकेंड टारगेट को अपना स्टॉप लॉस मान के और ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, तो आप हमेशा मुनाफे में ही रहेंगे। तो ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें जो मैंने आपको बताया था, पेट्रोनेट LNG बाय करने की सलाह दी जाएगी, उसमें भी हमने देखा कि सबसे पहले 2828 पे करंट मार्केट प्राइस भी उसने क्लोजिंग दी थी, और जब वो खोला तो उसने अपना टॉप बनाया 233 का। उसके बाद हमने देखा कि उसमें गिरावट आई, पर गिरावट तब भी आई और उसने अपने करंट मार्केट प्राइस जिसमें क्लोज हुआ था उस स्टॉप लॉस को हिट भी नहीं करा, और बिना स्टॉप लॉस के आपने अच्छी खासी अपसाइड कर ली होगी और आपको पहला टारगेट पेट्रोनेट LNG में अचीव हो गया होगा। अब बात करते हैं तीसरे स्टॉक की, जो है एस्कॉर्ट्स। तो मैंने आपको बोला था कि एस्कॉर्ट्स को बाय करके चलिए, 960 का करंट मार्केट प्राइस था और मैंने आपको स्टॉप लॉस नीचे का ही दिया था। स्टॉप लॉस तक तो छोड़िए, हमने करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ही इसमें जाते हुए देखी, पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत हल्की मूव आई थी, और हल्की मूव के चक्कर में अगर आपने इसको बाय करा होगा तो आप समझ सकते हैं कि जो मैंने आपको टारगेट दिया था उसके डबल ऊपर चला गया था। तो उसने जो अपना हाई बनाया 994 का हाई बनाया, और अगर आपने उसे बाय करा होगा तो आप कुल 34 पॉइंट्स भी ऊपर के अपसाइड में रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 शेयर्स भी बाय करे हों इसे इंट्राडे में, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपने 34,000 का प्रॉफिट कमा लिया होगा, सॉरी 3400 का। और जनरली 100 लॉट का कोई शेयर बाय नहीं करता है, जनरली 1,000-10,000 में ही बाय लोग करते हैं। तो अगर आपकी जो भी आपने ट्रेड लिया हो, पर अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आप मुनाफे में रहे होंगे। तो अब बात करते हैं इक्विटास की। तो इक्विटास में मैंने आपको जो टारगेट दिया था सिर्फ 7 पॉइंट का ऊपर का दिया था, पर हमने देखा कि वो 10 पॉइंट के ऊपर तक भी चला गया था, यानी 150 मैं मैंने आपको बोला था बाय करना, और वो वहां से 160 चला गया था। तो उसमें भी आपको प्रॉफिट अचीव हो गया होगा। तो शुरू के 4 स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अचीव हुआ होगा। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की तरफ। तो मैं आपको एक्सिस बैंक से पहले 2 बातें और बताना चाहूंगा। मेरे व्यूअर ने भी मुझे कमेंट करके बताया था ये बात कि एक्सिस बैंक में आई खराब खबर। उसका बैंक का जो प्रॉफिट और जो उसका रिजल्ट था क्वार्टरली, वो बहुत गंदा आया, तो हमें पता था कि उसमें डाउनसाइड आनी है। अब बात करते हैं उसके चार्ट्स की तरफ। तो चार्ट्स में भी हमने देखा था कि डेली चार्ट्स को भी अगर हम ऑब्जर्व करें, या अगर आप देखना भी नहीं पाते हैं अगर चार्ट्स को ठीक से, पर आप अगर डेली चार्ट ओपन करेंगे आप खुद समझ सकते हैं उसमें डाउन ट्रेंड था और वो नीचे की तरफ बढ़ रहा था। तो 2 चीज़ें बता रही थी कि ये स्टॉक को नीचे लेकर जाएगा मार्केट में। तो हम आपको सलाह टेक्निकल्स और न्यूज़ के बेसिस में ही मैं आपको सलाह देता हूँ, परफेक्ट सलाह देता हूँ। अब कभी कभार होता भी यही है कि टेक्निकल्स और न्यूज़ को फॉलो नहीं करता, और लोगों में डिमांड या सप्लाई की वजह से जो मार्केट है वो उस पर्टिकुलर स्टॉक को बहुत ऊपर ले जाता है।
अब बात करते हैं कि लोगों ने अपनी जो बाइंग की सेलिंग की पोजीशंस थी, शॉर्ट्स बहुत सारे बनाए हुए थे। अब वो न्यूज़ आई, उस न्यूज़ में उस स्टॉक ने पहला टारगेट हमारा शुरुआत में ही अचीव कर लिया था, जो कि 494 पे इसने क्लोजिंग दी थी। और मैंने आपको जो टारगेट दिया था 469 का दिया था, और सबसे पहला टारगेट जो दिया था वो आपको 478 का दिया था। तो आपको 481 तक के टारगेट भी अचीव हो गए थे। तो अगर आपने उस टारगेट को अचीव करके रखा होगा तो आपने 494 पे ही अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिया होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करा होगा आपने तो आपको कोई भी लॉस नहीं हुआ होगा। और अगर आपने स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करा, और जो मैंने आपको 4 पॉइंट ऊपर, सिर्फ 4 पॉइंट ऊपर आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करा था, अगर वो आपको हिट हो गया होगा तो भी आपको सिर्फ 4 पॉइंट का लॉस हुआ। और अगर हम टोटल अपने जो मैंने आपको स्टॉक बताया, अगर उसका एवरेज भी निकाले, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 पॉइंट का लॉस हुआ होगा, और कम से कम 100 पॉइंट्स के आप प्रॉफिट में रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 34 पॉइंट्स तो एस्कॉर्ट्स दे गया, 18 पॉइंट आपको SBI लाइफ दे गए, 10 पॉइंट आपको इक्विटास दे गया, पेट्रोनेट LNG आपको 5 पॉइंट्स दे गया, और सिर्फ 4% अगर आपने उसमें स्टॉप लॉस ही मेंटेन करा होगा और स्टॉप लॉस ही हिट हो गया होगा आपका, तो सिर्फ 5 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, और तभी भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहे होंगे। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, जो मुझे एक दोस्त ने रिकमेंड करके बताया था, एक मेरा व्यूअर था खुद ही, उसने मुझे बोला था कि IDBI बैंक में फ्रॉड हुआ और नेगेटिव न्यूज़ आई। तो हम कह सकते थे कि IDBI बैंक परफॉर्म भी नहीं कर रहा था 2-3 दिनों से, और चार्ट स्ट्रक्चर में भी वो वीक था। पर अचानक हुआ ये कि IDBI बैंक ऊपर की तरफ बढ़ने लग गया। तो वो हुआ कैसे, तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि कुछ स्टॉक्स होते हैं ऐसे कि वो चार्ट्स में दिखा रहे हैं कि वो वीक है, न्यूज़ में भी वो वीक दिखा रहे हैं, पर लोगों ने ज़्यादा शॉर्ट्स बनाए हुए होते हैं उसमें, और जब वो न्यूज़ आती है, वरना कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि वो लोग अपने शॉर्ट्स कवर करने लग जाते हैं, उसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बहुत तेजी से अपसाइड आते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शॉर्ट कवर करने के चक्कर में एक्सिस बैंक भी ऊपर गया और IDBI बैंक भी ऊपर गया। तो अगर आपको अपने का डाउट क्लियर हो गया होगा तो आपको मैं आगे बढ़ता हूँ। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस देखते हैं और इसी टाइप रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब में भी पोस्ट करते हैं, वो मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि आप अपना चैनल बंद कर दीजिए, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मुझे नॉलेज नहीं होती है तो मेरे व्यूअर्स जो मुझे कॉल करके बोलते हैं कि उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, और जो मैं आपको खुद आपको ट्रेड दे रहा हूँ और वो ट्रेड प्रॉफिटेबल जा रहा है, तब भी अगर आप कह रहे हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने चैनल की प्रमोशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्रमोशन कर सकते हैं। अगर आप खुद एक इफेक्टिव न्यूज, अगर आप खुद एक इफेक्टिव वीडियो बना के लोगों के साथ शेयर करेंगे, नॉलेजेबल वीडियो शेयर करेंगे, तो चैनल में आपके जरूर आएंगे। मैं सिर्फ एक क्लियर और सिंपल वीडियो ही शेयर करता हूँ, जो स्टॉक मैं आपको बोलता हूँ बाय करिए ना करिए, आज ट्रेड लीजिए आज ट्रेड ना लीजिए, तो मैं आपसे क्लियरली बात करता हूँ और लोग प्रॉफिटेबल में जाते हैं। तो मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आखिरी में भी आपको शो करी जाएगी वो बात, कि मेरे एक व्यूअर के पास मेरे सुबह फोन आया, बात करें तो 2 बजे मेरे पास फोन आया उस व्यूअर का। उन्होंने मेरे से कहा कि मैं बैंक निफ्टी खरीदना चाहता हूँ, तो क्या मैं खरीद सकता हूँ? तो मैंने कहा कि अभी आप जल्दी मत करिए, 25,440 का जो लेवल है उसे क्रॉस होने दीजिए, तभी आप अपनी पोजीशन बनाइएगा और ऊपर के लेवल्स में। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, उन्होंने मुझे ये बात बोली कि जो मैं टीवी देखता हूँ, जो मैं न्यूज़ देखता हूँ CNBC आवाज़ करके, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, उन्होंने बता रहे थे, रिकमेंड कर रहे थे अपने व्यूअर्स को कि आप बैंक निफ्टी को अभी बाय करके चलिए और वो और अपसाइड्स दिखा सकते हैं। तो अगर उस टाइम किसी ने उसको बाय करा होता तो हम कह सकते हैं कि वो लॉस में जरूर गया होगा, क्योंकि इंट्राडे में जो उसने क्लोजिंग दी है 25,440 के, उसने टॉप बनाया, हाई बनाया, और वहां से उसने गिरावट आना शुरू कर दी। तो मैंने उससे बोला कि आप वेट करिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि बाय कर लीजिए, और वो लोग ज्यादातर कहते हैं तो वो प्रॉफिट में हम लोग रहते हैं। तो मैंने बोला कि चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, मैं उनसे बात करता हूँ। तो बात करने का तरीका एक ही होता है कि आप फेसबुक पे उन्हें मैसेज पोस्ट करिए और वो उनका रिप्लाई करते हैं। तो मैंने बिल्कुल सेम करा और उनसे पूछा कि क्या आप बाय करना चाहिए, तो आपको मैं वो वीडियो
बैंक निफ्टी और निफ्टी का जब एनालिसिस करके दिखाऊंगा तब मैं आपको वो वीडियो इसी वीडियो के अंदर शो करूंगा, तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम। तो पहले हम पांच स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। आरबीएल बैंक, डीबीएल मतलब दिलीप बिल्डकॉन, ओएनजीसी, बर्जर पेंट्स, अवध शुगर्स। तो ये पांच स्टॉक्स हैं बायर सेल की साइड में मंडे के मार्केट के लिए। आरबीएल बैंक बाय करने की सलाह दी जाएगी, चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है, 541, 546 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 534 का लगा के चलना चाहिए। एक बात आपको मैं और बताना चाहूंगा, जो ज्यादातर व्यूअर्स मेरे से बहुत टाइम से पूछ रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कब हमें ट्रेड लेना चाहिए, कब हमें मार्केट में घुसना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपको करंट मार्केट प्राइस शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आरबीएल बैंक का 537.65, मैंने आपको टारगेट दिया है 541 का, स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं 534 का। अब मैं आपको कह रहा हूँ ये बैंक खुला और 539 पे खुला, तो 539 पे अगर ये बैंक खुलता है और आप रिस्क ले सकते हैं तो आप रिस्क लीजिए, और आपको स्टॉप लॉस ही 534 का मेंटेन करना ही करना है। तो मैं आपको कह रहा हूं अगर 539 पे सपोज करके चलते हैं ये स्टॉक खुलता है और आपने बाय करा, तो बाय में भी आपको स्टॉप लॉस 534 ही मेंटेन करके रखना है। तो हम कह सकते हैं कि आप अभी भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपका पहला टारगेट अचीव नहीं हुआ। पहले टारगेट के नीचे खुलता है तो आप जरूर बाय कर सकते हैं, अगर करंट मार्केट प्राइस के नीचे खुलता है और स्टॉप लॉस के पास खुलता है, स्टॉप लॉस हिट नहीं करता पर उसके पास खुलता है तो भी आप बाय कर सकते हैं, और आपके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉफिटेबल रहेगा और आप उसके रिलेटिव में रहेंगे। तो अब मैं आपको तमीज से समझाता हूँ, आपको एक आसानी तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि ये स्टॉक खुलता है 535 पे और स्टॉप लॉस मैंने आपको बोला 534 पे आप रखिए, तो आप स्टॉप लॉस 534 का ही रखिए। 1 रुपया का लॉस होगा तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको प्रॉफिट होगा तो 541 का ही होगा। तो ये ऐसे मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ, पहले टारगेट के नीचे अगर खुलता है तो आप उसे बाय करिए, स्टॉप लॉस आपको वही स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो वैसे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, वही स्ट्रैटेजी मैं बनाता हूँ। अब बात करते हैं आरबीएल बैंक की तरफ। तो आरबीएल बैंक ने बहुत अच्छे अपने नतीजे घोषित किए हैं, और अगर हम बात करें तो एनपीए भी इसका घट के आया है, तो इस बैंक के लिए एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसके पीयर की बात करें तो बंधन बैंक है, बंधन बैंक ने भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं क्वार्टरली, और एनपीए की बात करें तो वो भी डिक्रीज होके आया है, तो आप बंधन बैंक को भी ट्रेड में ले सकते हैं, दोनों को वॉच करके जरूर चलिए। अब बात करते हैं दिलीप बिल्डकॉन, बाय करने की सलाह दी जाएगी 117, 1182 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 1149 का लगा के चलना होगा। ONGC बाय करने की सलाह दी जाएगी 183, 187 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 178.60 का लगा के चलना है। बर्जर पेंट्स बाय करने की सलाह दी जाएगी 284, 291 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 275 का लगा के चलना है। अवध शुगर, तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको शुगर सेक्टर के बारे में क्यों बोल रहा हूँ बाय करने के चक्कर में, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि चार्ट स्ट्रक्चर इतना वीक है और वो यही शो कर रहा है कि इतनी गिरावट और उसमें बढ़ सकती है, और हम देख सकते हैं कि और ये सेक्टर बहुत अंडर परफॉर्म कर सकता है। अब मैं आपको बाय करने की सलाह क्यों दे रहा हूँ, और सिर्फ इंट्रा डे के लिए ही दे रहा हूँ कि अवध शुगर में बाय करके चलिए। और मैं अगर आपको कहूँ तो धामपुर शुगर, DCM, श्रीराम, बलरामपुर चीनी, सारे शुगर सेक्टर के स्टॉक्स में बाय करके चल सकते हैं या आउट परफॉर्म कर सकता है मंडे के मार्केट में। तो न्यूज ये आई है कि जो हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि चीनी के जो दाम है वो बढ़ सकते हैं, और चीनी में शुगर में 5% का सेस लग सकता है। तो ये एक शुगर सेक्टर कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, एक शुगर सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है, उनकी कंपनीज के लिए फायदेमंद सौदा है, तो वो शायद मंडे के मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन्हें अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। और अगर आपको ट्रेड नहीं करना शुगर सेक्टर के अंदर तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 374, 382 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 365 का लगा के चलना। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, उसमें ये कि रिलायंस के जो नतीजे आए हैं बहुत बढ़िया आए हैं, अनुमान से भी बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं, तो एक रिलायंस भी बेट हो सकता है कि आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। पर हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से ये बहुत ऊपर जा चुका है, तो शायद इसमें भी हम प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखें, पर अगर ये ऊपर बढ़ना शुरू होता है तो हम कह सकते हैं ये भी 100 बिलियन वाली कंपनी बन सकती है TCS की जगह। और बात करें तो हम कह सकते हैं कि US की भी अब मंडे जब एक्सपायर
मंडे को मार्केट ओपन होगा तो उस वीक के अंदर अंदर ही यूएस का जीडीपी का रिजल्ट आना है, तो वो शायद अच्छे आए ना आए वो मार्केट को डिराइव कर सकता है। 2 मई को यूएस की फेड की मीटिंग है, तो ज़्यादा कुछ खास मीटिंग नहीं है, पर हमें उनकी बात को सुनना होगा कि वो क्या बात करते हैं, उसके ऊपर हमारी मार्केट रिएक्शन ले सकती है। और फ्राइडे सेशन को जीएसटी काउंसिल की बैठक है, तो वो भी एक अहम बैठक है जिसमें पूरे मार्केट को वो डिराइव करेगा, पूरे हफ्ते डिराइव करेगा। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, जिससे आप अपने मार्केट को क्लियरली वॉच कर पाए और नॉलेज अपने साथ गेन लेकर घर जा सके। तो अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ, और जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक वीडियो शो करूंगा, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, तो आप समझ पाएंगे कि मैं आपसे क्या बात करता हूँ, और जो बात करता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट बात करता हूँ। एक आप समझ सकते हैं मैंने आपके सामने एक प्रूफ रखा है अपनी बात का। तो पहले हम बात करते हैं निफ्टी का, तो मैं निफ्टी को अब बाय करने की सलाह दूंगा 10,780 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 10,620 का रखना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि इसने क्लोजिंग दिया 10,690 पे और 10,650 पे, इसने अपना ट्रिपल टॉप बनाया है। तो ट्रिपल टॉप बनाया तो हम कह सकते हैं कि इसके नीचे शायद क्लोजिंग ना देने की कोशिश करे इस एक्सपायरी के अंदर, और शायद इस एक्सपायरी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं कि जो अब थर्सडे को एक्सपायरी होगी, तो ट्रिपल टॉप इसने 10,650 पे बनाया और 10,620 का आपको मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ क्लोजिंग के बेसिस पे। तो 780 तक ये जा सकता है, तो मैं आपको चार्ट्स में शो करूंगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 25,700 का लेवल ये छू सकता है, 25,240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। तो अब आपको यहाँ पर वीडियो शो हो रही होगी, अब आपको यहाँ पर मैं वीडियो शो कर रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अगला सवाल इंटरेस्टिंग है शिवांश भसीन का, किरण आपके लिए होगा। इन्होंने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स शॉर्ट किए हैं 25,400 पे, इंट्राडे का ये ट्रेड है और इनका ये मानना है कि 25,440 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हाँ है तो सही, पिछले स्विंग हाई है, शायद इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी दिख रहा है, आई थिंक 100 दिन का मूविंग एवरेज भी है, इन्होंने काफी रिसर्च कर ली है लगता है शिवांश जी ने, क्या कहेंगे किरण आप? बिल्कुल, इन्होंने रिसर्च काफी अच्छी की है और ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर स्टॉप लॉस रखते हैं और शॉर्ट पोजीशंस रखते हैं तो ठीक है, पर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद बिल्कुल शॉर्ट पोजीशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फिर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर जिसकी बात करते हैं उसके टारगेट्स काफी बड़े होते नजर आएंगे, करीबन 26,800 27,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ये पैटर्न सजेस्ट कर रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर हाई रिस्क इन्वेस्टर्स ने जैसे इन्होंने शॉर्ट पोजीशन लिए बिल्कुल रखना चाहिए। एक छोटा सा सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है वो 25,300 के करीब है, तो ये अगर निकल जाता है तो एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं और फिर वापस एक बार 25,100 की ओर हम चलते नजर आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, यहाँ पे थोड़ी सी कॉशियस पोजीशन लेनी चाहिए। बाकी के पॉइंट मैंने ऐड किए थे, इन्होंने तो केवल कहा था कि रेजिस्टेंस, एक्चुअली ये पेपर लीक हो गया है, 2:30 बजे मेरा इरादा यही बताने का था, तो इन्होंने लेवल्स तो बता दिए, बाकी के चार्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग है क्योंकि निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा एक्शन आज के सत्र में बनता दिखाई दिया है। एक और ब्रेकअप, तो अब आपने वो वीडियो देख ली होगी, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो वहां के एनालिस्ट होते हैं, जो न्यूज चैनल्स में एनालिस्ट बैठे होते हैं, जो चार्ट्स को हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उन्होंने खुद कहा कि ये वो जो मैं आपको अब इस वीडियो में आपने शो करा कि 25,440 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो शायद क्रॉस ना करे, और मैंने बिल्कुल सेम अपनी पोजीशन बनाई थी और मैं उस पोजीशन से निकल चुका हूँ अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ, जो हमने लेवल नीचे आते हुए उसमें देखी गिरावट। तो उन्होंने खुद कहा था कि मैंने आपको खुद बताया था कि 2:30 बजे उन्होंने इसको बताना था और मैंने 2 बजे ही उनसे पूछ लिया और उन्हें बता दिया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर मैं ये बात कर सकता हूं तो मैं बता सकता हूं कि मुझे चार्ट्स देखने आते हैं और मैं आपके साथ एक रिलेवेंट चीज शेयर कर रहा हूं, ना कि कुछ गलत चीज़ शेयर कर रहा हूं। अगर किसी बंदे को लॉस नहीं होता तो हम कह नहीं सकते कि वो प्रॉफिट कमाने के लायक है। तो सबसे पहले लॉस करना सीखो, उसके बाद अपने प्रॉफिट्स को बचाना और कमाना सीखो। तो अब मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, और अगर आपको ये वीडियो और मेरा चैनल पसंद आता है तो अभी इसे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। अब बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ, देख सकते हैं कि आपको चार्ट शो हो गया होगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस पार्ट को देखिए, इस लाइन को और इसको देखिए, इसने जो अपना हाई बनाया है वो 10,440 का ही बनाया है, तो 10,440 को इसने क्रॉस नहीं करा कल के मार्केट में भी, और हम कह सकते हैं ये 38.2% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जान जाएगा और जा सकता है।
पर कब जा सकता है? जब ये अपने लेवल को क्रॉस करे, यानी कि 25,440 के लेवल को ये क्रॉस करेगा तभी हम अपनी पोजीशंस बनाएंगे, और उसके ऊपर सस्टेन करना उसे बनता है तभी हम अपनी पोजीशंस बनाएंगे। और ऊपर के तरफ हम 26,000 तक के भी लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तो ये मैंने आपको एक सलाह दिया। और आप दूसरी बात और देखिए कि मैं आपको अपने टेक्निकल्स में हमेशा बताता हूँ, और जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि इंट्राडे में स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसमें भी मैंने आपको ये अपनी टेक्निकल शेयर करी थी कि 13 और 26 का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ही बताता है कि और अपसाइड बन सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लू लाइन जो 26 मूविंग एवरेज है और ये रेड लाइन जो 13 मूविंग एवरेज है, ये रेड लाइन ने 26 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटा, तो हम कह सकते हैं कि अब ये यहाँ से और ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। अगर आप इसका एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस लाइन ने इसे काटा था यहाँ से, तो हमने इसमें यहाँ से डाउन साइड आते हुए देखी और ये लेवल था 26,200 का, और वहाँ से इसने यहाँ तक की लाइन बनाई है। तो हम कह सकते हैं कि 26,200 और 24,700 में इसने जाके अपनी लाइन को काटा है। तो आप खुद समझ सकते हैं ये कितना अच्छा ट्रेड है और इससे आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी में आप देख सकते हैं कि 50% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इसने क्रॉस कर दिया था और उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा था। इसके मुकाबले हम ये चार्ट में ये बात तो समझ गए हैं कि बैंक निफ्टी ने ज़्यादा मूव नहीं दिया अकॉर्डिंग टू निफ्टी ने, तो निफ्टी ने ज़्यादा मूव दिया। अब ये 61.8% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को टेस्ट जरूर करेगा। इस रिट्रेसमेंट को टेस्ट करने के लिए, इस लेवल को क्रॉस करने के लिए से 10,750 10,780 तक ये जा सकता है। अब जा सकता तो है ये, तो स्टॉप लॉस हमें कहाँ मेंटेन करना पड़ेगा? स्टॉप लॉस हमें 10,620 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जो 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। अब मैं आपको कहूँ कि ये बहुत ऊपर तक जा चुका है, और हमने देखा था कि जब बैंक निफ्टी ने अपना तुरंत 25,440 का हाई बनाया, वहां से उसने अपने गिरावट आते हुए देखी है। और हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसने अपना जब हाई बनाया था उसके बाद हमने यहाँ से गिरावट आते हुए देखी थी, तो शायद हो सकता है कि ये एक रिवर्सल दे दे, और शायद हो सकता है अगर इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो हम और ऊपर के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दो चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बता दिया जो इस पूरे महीने मार्केट को डिराइव कर सकती है, और आगे की अपडेट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करते रहूँ। अगर आपको ये रिलेटिव न्यूज़ रिलेवेंट न्यूज़ पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको उस ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइए। और मेरे कुछ व्यूअर्स मेरे से कह रहे हैं कि आप पेड सर्विस देते हैं या नहीं देते हैं, बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ चुके हैं और मेरे फ़ोन में मैसेजेस भी आ चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15th of May से मैं अपनी पेड सर्विस शुरू कर रहा हूँ, और बहुत कम पेड सर्विस है, मतलब अकॉर्डिंगली अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं और जो बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो पेड सर्विस के अकॉर्डिंग हमसे 30,000 रुपया महीना ले लेती है, 20,000 रुपया महीना ले लेती है। तो मैं आपसे सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए ही आपसे पैसे लूंगा, तो वो पर्टिकुलर ट्रेड आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको आज मार्केट में ट्रेड लेना है तो आज आप मेरे से पेड सर्विस ले सकते हैं, अगर आपको कल ट्रेड नहीं लेना तो आप मेरे से कल पेड सर्विस नहीं ले सकते। अकॉर्डिंगली आप अपने रिलेवेंट यूज से आप मेरे से पेड सर्विस ले सकते हैं, और बहुत रीजनेबल पेड सर्विस है, हम कह सके तो 1,000 रुपीज के ऊपर जाके भी पेड सर्विस आपको नहीं पड़ेगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और लोग मेरे से कह रहे हैं कि आप अपना नंबर मुझे दीजिए, अपना फोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर मेरे से शेयर करिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात और कि 15th of May से ही मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूंगा, जिसमें हम यूजफुल इन्फो शेयर करेंगे, और मार्केट जब ओपन होता है क्या ट्रेड तुरंत लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, और जो मैं करता हूँ जिससे प्रॉफिटेबल रहता हूँ, वो सब मैं आपके साथ कुछ टाइम शेयर करूंगा कि आप बैठे बैठे ही अब मार्केट में ट्रेड ले पाए। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं आपको मार्केट में नहीं बता पाता कि आप कब निकलिए, कब बाय करिए, जो मैं आपको स्टॉक सजेस्ट करता हूं, तो उसी तरीके को बताने के लिए मैं 15th May से ही अपना वो सेशन शुरू करूंगा, तभी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरे से शेयर हो पाएगा। अगर आपको कुछ इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं shivanshbaseen802@gmail.com में, फेसबुक पे जो मेरा पेज है वहाँ पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, या इस कमेंट सेक्शन में ही मुझे रिप्लाई कर दीजिए, मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। वरना फेसबुक के पेज में आप मेरे से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट के तौर पे मैं आपसे कॉल में बात कर सकता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, बहुत रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में नेगेटिव बातें बिल्कुल भी लिखिए मत।
तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूं आपसे कल नई वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।